हेलो राम राम भाइयों एंड दोस्तों, तो आज जरा भी यो इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4 है। इससे पहले मैं 3 पार्ट बना चुका हूँ, तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, ये मेरा गारंटी है। जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको आप गो थ्रू जरूर करें, ठीक है। ये सब मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये सब मैं डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि जो भाई पहले देख रहा होगा उनके लिए टाइम वेस्टेज होगा। तो ये आप स्लाइड में स्लोली आपको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए पार्ट 4 का जो इंटरव्यू क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। उस आगे बढ़ने से पहले अगर आप मॉक देना चाहते हैं तो मुझे डीएम करें, जिसका टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, या कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट रहेगी, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, ठीक है। अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं, जो आज का पहला सवाल है, तो आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आप अपने करंट जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन कर चुके हैं कि आप जॉब करते हैं, तो आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि आपको बैंकिंग के बारे में जानकारी क्या है, बैंक कैसे काम करता है, इसके बारे में आप कुछ बताइए, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्कीम, पिछला और पिछला 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 पता नहीं किसमें बता रखा हूँ, पर मैं ये इसलिए जोड़ दे रहा हूँ, इससे एक ना एक गवर्नमेंट स्कीम से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रूफ्स, ये फेमस सवाल है किसी भी इंटरव्यू का, यूपीएस का हो, एसबीआई का हो या आरआरबी का हो, इसमें सबसे जो टाइप्स ऑफ प्रूफ है ये सबसे फेमस सवाल और हर बार पूछा जाता है, जैसे कि रबी क्रॉप्स क्या है, खरीफ क्रॉप्स क्या है, इनका एग्जाम्पल क्या है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है, 6th 7th में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस रिलेटेड जो किसान के रिलेटेड मेनली एग्रीकल्चर रिलेटेड जो इंश्योरेंस स्कीम आई है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ये सवाल आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहा है कि बैंक जो है चैलेंजेस किस प्रकार का आजकल फेस कर रही है, आप उनके एग्जाम्पल बता सकते हैं। मैं शॉर्ट में बताऊँ तो आप बता सकते हैं साइबर सिक्योरिटी एक चैलेंजेज है, एनपीए एक चैलेंजेज है, ये सब बता सकते हैं। टाइप्स ऑफ चेक, चेक क्या होता है, चेक में कितने नंबर होते हैं, और टाइप्स ऑफ क्या चेक क्या होता है, एमआईसीआर क्या होता है, चेक के अंदर जितना भी पड़ेगा ये सारा आपको मालूम चल जाएगा। जैसे मैंने आगे सवाल में डाल ही रखा हूँ, टेल द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, ठीक है। ये सवाल, कमर्शियल बैंक और प्राइवेट बैंक में क्या अंतर है, इससे रिलेटेड एक और सवाल पूछा जा सकता है कि प्राइवेट बैंक जो है इतना ज्यादा ग्रोथ क्यों कर रहा है जबकि कमर्शियल बैंक इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसके पीछे कारण क्या है और इसको आप सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, ये आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। ओवरड्राफ्ट, शायद मैंने डिमांड ड्राफ्ट बता रखा हूँ यहाँ पर, ओवरड्राफ्ट क्या है इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ये सारा चेक से रिलेटेड है, ठीक है। आपसे एक जनरल एचआर क्वेश्चन भी हो सकता है, आपकी हॉबीज क्या है, अगर आपकी हॉबीज के बारे में आप बता दीजिए कि आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो क्रिकेट से आपसे क्रॉस क्वेश्चन होगा, जो बेसिकली जो लेटेस्ट फेमस चीज हुआ हुआ क्रिकेट में उससे आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अजीब सा कुछ हॉबी बता दें और उसके बारे में आपको मालूम नहीं है, या तो आप ऐसा हॉबी बता दें कि किसी को मालूम ही नहीं हो, ठीक है। तो क्लासिक करेंसी क्या होता है इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो हॉबीज इसी तरह बताना चाहिए, किसी को कुछ जानकारी ही नहीं है तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन ही ना करें, ठीक है। और नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट जो है क्या होता है, और आरआईडीएफ क्या होता है, आरआईडीएफ मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ यहाँ पर, फॉर्म फुल फॉर्म, जिससे आपको खोजने में आसानी होगी जब आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। अगर आप चाहते हैं आंसर तो मैं वीडियो का आंसर भी देना चालू कर दूंगा, पर मैं अभी सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन फेमस फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है ये क्या होता है, ये जो सवाल पूछते, ये पार्ट 4 के सवाल थे, और करंट अफेयर्स आपको 1 मंथ का कम्प्लीटली मालूम होना चाहिए, और फेमस स्कीम भी आपको मालूम होना चाहिए, फेमस फेमस स्कीम नहीं सॉरी, फेमस इवेंट जो हुआ है पास्ट में उसको मालूम होना चाहिए, आपके एकेडमी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इससे आपके सवाल आते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। कंक्लूजन में ये बोलूँगा, कॉन्फिडेंट रहिए भाई, ठीक है, प्रिपेयर करके रहिए अच्छे से और क्रिएटिव रहिए। Till then, see you in the next video. Tata, bye bye. Take care of your mother and father and yourself also. Goodbye, Tata. See you in the next video. Keep watching my channel and my video.